हाउ टू इंक्रीज योर इन्फ्लुएंस एट योर जॉब, इसका एक तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड इन दिस वीडियो। आई एम सतविंदर सिंह भारतीय, योर लाइफ एंड करियर सक्सेस कोच, एंड आई हेल्प पीपल टू सक्सीड एंड ग्रो इन देयर लाइफ एंड देयर करियर थ्रू क्लैरिटी, एक्शन एंड लीडरशिप प्रिंसिपल्स। सो टू ग्रो इन योर जॉब, टू सक्सीड इन योर जॉब, यू नीड टू इंक्रीज योर इन्फ्लुएंस। और उसका एक बहुत सिंपल तरीका है कि एक रूल फॉलो किया जाए, दैट इज गोइंग वन एक्स्ट्रा माइल एट योर वर्क। दैट इज वर्किंग फॉर मोर देन व्हाट यू आर बीइंग पेड फॉर। जब मैं जॉब में था और लगभग एक साल का मेरा एक्सपीरियंस था, आई वेंट टू अ फैक्ट्री विच वॉज आर फैक्ट्री, कंपनी ओन फैक्ट्री। और ऑफिशियल मीटिंग के बाद फैक्ट्री हेड से मेरी 5 मिनट की वैसे इंटरेक्शन हुई, नॉर्मल इंटरेक्शन आफ्टर द मीटिंग। और मैंने उनसे पूछा कि सर हाउ यू बिकेम फैक्ट्री हेड, आप फैक्ट्री हेड लेवल तक पहुंचे कैसे, बिकॉज आपकी एज के, आपके एक्सपीरियंस के और आपकी क्वालिफिकेशन के और भी लोग हैं जो फैक्ट्री हेड तो नहीं है, कोई डिपार्टमेंट हेड है या वो भी नहीं है, बट आप इस पोजीशन पर कैसे पहुंचे। तो उन्होंने मुझे एक सिंपल सी बात की, बोले सतविंदर मैंने एक रूल फॉलो किया। एंड आई वेंट वेरी क्यूरियस कि एक रूल फॉलो किया, मैं कहा जी सर प्लीज बताइए कौन सा रूल फॉलो किया। सो उन्होंने ये मुझे गोल्डन रूल दिया, दैट वर्क मोर देन व्हाट यू आर बीइंग पेड फॉर, गो वन एक्स्ट्रा माइल। तो उन्होंने कहा कि जब कभी भी मैंने जो भी काम किया, मैंने ये नहीं सोचा कि ये काम वो काम है जो मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है और मेरी ड्यूटी लिस्ट में आता है कि मुझे इतना ही काम करना है और मुझे इतनी सैलरी मिल रही है तो मुझे इतना ही काम करना है। तो जितनी मुझे सैलरी मिलती थी और जो काम मुझसे एक्सपेक्टेड थे, मैंने आउट ऑफ द वे जाके उससे ज्यादा काम लेने की कोशिश की और ज्यादा काम करके दिखाए। तो इससे क्या हुआ, मेरी इमेज बनी मेरे बॉस के नजरों में, मेरी मैनेजमेंट की नजरों में, मेरा इंप्रेशन बना और मेरा इन्फ्लुएंस बढ़ा। तो जिससे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी और ज्यादा मिलने लगी और करते करते मैं फैक्ट्री हेड पोजीशन पे पहुंचा। तो जब उन्होंने मुझे ये बात बताई तो मेरे जहन में ये बात उतर गई और उस दिन के बाद मैंने इसको अपने करियर में फॉलो करना शुरू कर दिया। तो जिन कामों को मैं पहले मना कर देता था, जो आउट ऑफ स्कोप होते थे मेरे काम के, तो जिनको मैं मना कर देता था, उनको मैंने मना करना बंद किया। और कुछ ही महीनों में मुझे उसका फर्क भी पता चलने लग गया। तो जो मेरे बॉस थे और मेरी मैनेजमेंट थी, उनकी नजरों में मेरी परसेप्शन ही बदल गई। कहां तो मैं पहले ही मना कर देता था कि सर ये मेरे स्कोप का काम नहीं है, ये किसी और के स्कोप का काम है तो वो करेगा इसे। लेकिन जब मैं उसको एक्सेप्ट करने लग गया तो वो उनके मन में ये बात आई कि ये चेंज कहां से हुआ। सो उससे मेरी वहां पर इमेज बढ़ने लगी, इन्फ्लुएंस बढ़ने लग गया और करते करते मुझे ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलने लगी जो पहले मुझे शायद ना मिलती। अब यहां पर एक कैच है कि अगर हम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने लग जाएं और अपने जो हमारा स्कोप ऑफ वर्क है उससे आगे बढ़कर दूसरा काम ऐसा पकड़ लें जो हमारी प्रोफाइल का काम ही नहीं है, तो इससे हमारा काम बढ़ जाएगा। बिल्कुल बात तो सही है, काम बढ़ जाएगा, लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन है कि आप इंटेलिजेंटली काम कीजिए। सो कहने का मतलब कि जो आपने एक्स्ट्रा काम करने हैं, जो आपने एक्स्ट्रा माइल चलना है, उसको आपने खुद डिसाइड करना है। अब 2-3 तरीके से यह हो सकता है कि जो आपको काम मिला है आप अपना काम ना बढ़ाएं, लेकिन उसी काम को जो आप आज कर रहे हो उसको थोड़ा और परफेक्शन से करें, उसकी क्वालिटी बढ़ाएं। सो दैट इज वन वे ऑफ गोइंग एक्स्ट्रा माइल एट योर वर्क। और अगर वो आपने कर लिया है देन यू कैन टेक ऑन एक्स्ट्रा वर्क, लेकिन एक्स्ट्रा वर्क भी आप वैसा पकड़ें जो क्वालिटी वर्क हो, जिससे कहीं ना कहीं आपकी प्रतिभा निखरे, कुछ सीखने को मिले या आपके डिपार्टमेंट में आपकी इमेज जाए कि आपने वो इंपॉर्टेंट काम किया है। अब कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई भी आगे कुछ भी काम बोलता जाए और आप हर काम को ऐसे ही बस आंखें बंद करके हाँ करते जाएं। वैसा भी नहीं होना चाहिए। सो वी शुड वर्क इंटेलिजेंटली
और वैल्यूएबल और क्वालिटी वर्क हमें एक्स्ट्रा वर्क लेने चाहिए। सो ये एक फॉर्मूला आप अपने करियर में, अपनी जॉब में आज मारकर देखिए, कुछ ही महीनों में आपको इसका फर्क पता चल जाएगा। और ऐसे नए वीडियोस के लिए, ऐसी जानकारी के लिए और करियर में कैसे ग्रो करना है, कैसे सक्सीड करना है, इसके लिए मुझसे जुड़े रहिए। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पेज को लाइक कीजिए और जितने भी सोशल मीडिया चैनल हैं सबको लाइक कर लीजिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको आपके मतलब का मिल जाएगा, और अगर आपके मतलब का नहीं मिलता है तो प्लीज इसे जरूर शेयर कीजिए, किसी ना किसी की हेल्प इससे जरूर होगी। सो टिल देन, टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट लाइफ।